बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबेन वनडे और T20 सीरीज के हवाले से एक और बुरी खबर सामने आई है, जबकि शुएब मलिक के बाद चैंपियन ट्रॉफी जितवाने वाले सरफराज अहमद के साथ एक अनोखा वाकया हुआ, ऐसा वाकया जिससे आपका दिल भी उदास हो जाएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय के साथ जरूर करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे और 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में DRS टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की तस्दीक कर दी है, सीरीज में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना किए जाने की वजह DRS ऑपरेटर की अदम दस्तियाबी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए ICC के मंजूर शुदा ऑपरेटर की ही खिदमत हासिल की जा सकती है, जो इस सीरीज के दौरान दस्तियाब नहीं थे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 17 दिसंबर से रावलपिंडी स्टेडियम में खेली जाएगी, जबकि 5 T20 मैचेस लाहौर में होंगे। जबकि शुएब मलिक के बाद सरफराज अहमद ने भी उदास कर दिया और उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जैसे कि आप भाइयों को मालूम होगा कि वनडे क्रिकेट से शुएब मलिक रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं और ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है जो शुएब मलिक खेलना चाहते थे, मगर मोहम्मद वसीम ने उनकी ये ख्वाहिश भी अधूरी कर दी और इन्हें T20 स्क्वाड से बाहर कर दिया। जबकि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की शेर इकायद की सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाने की वीडियो सामने आ गई है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि साबिक कप्तान अपने बेटे अब्दुल्ला को मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले जा रहे हैं। उन्होंने बाइक के इंतखाब में पक्का कराची वाला होने का सबूत दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो किसी हेवी बाइक के बजाय 70 इस्तेमाल कर रहे हैं और कराची वालों की तरह इस पर कपड़े का कवर भी चढ़ा रखा है। सरफराज अहमद की वीडियो बनाने वाले लड़कों ने उन्हें अपने मकामी ग्राउंड में सीरीज खेलने की भी ख्वाहिश की और कहा कि अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं खेल सके तो हमारे ग्राउंड में आ जाए, जिस पर सरफराज अहमद ने भी दिल बर्दाश्ता होकर ये जवाब दिया कि हाँ, अब यही करूंगा। ख्याल रहे कि सरफराज अहमद दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल नहीं है, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी और साथ ही साथ ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है उसमें भी सरफराज अहमद शामिल नहीं है।